Hey guys, welcome back to our channel. So we are here at Hero Electric today to pick a scooter for me, my first scooter. So basically I didn't get a license at 16, so we are buying a low speed scooter which I can use lifelong, and I'll leave the showroom details in the video description so you guys can also check it out yourself. Now let's go check out the scooter. So dad is doing the paperwork. This is the showroom. It's in Alandi. These are all the scooters over here. So this is the color and model. The bike is getting prepared. Prem is taking vehicle information. How to ride and all. इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड राइट नाउ इन मराठी, वो इधर लोकल लैंग्वेज के लिए, बिकॉज आलंदी साइड में है तो यहाँ पे यू नो दिस वॉज अर्लियर काइंड ऑफ अ गाँव खेड़ा काइंड ऑफ, अभी बहुत ही चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया है. तो लोकल लैंग्वेज के लिए उन लोग ने मराठी में प्रिंट करके रखा है, अदरवाइज बुकलेट इज़ इन इंग्लिश एंड उसमें सब इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं. अदरवाइज इसको भी पॉज करके आप पढ़ सकते हैं. दिस इज़ इन इंग्लिश और इससे भी और मतलब सम एडिशनल टिप्स आर गिवन इन दी मैनुअल विच हम लोग अगर पढ़ लेते हैं जल्दी से तो आपको वो बता देंगे. द पीस वी हैव सेलेक्टेड जस्ट केम बैक फ्रॉम वॉशिंग. मिरर्स एंड ऑल अभी इंस्टॉल होने हैं, बाकी स्क्रैचेस वगैरह एक बार चेक कर लेंगे. ओवरऑल दिस इज़ अ बेटर पीस देन दैट वन, उस पर थोड़े से ज़्यादा स्क्रैचेस थे, उन्होंने तैयार वो करके रखी थी बट मैंने इस पर सिलेक्शन दिया. क्योंकि गाड़ी लेते हैं तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए तो अच्छा रहना चाहिए. ये गेट अ बेसिक टूल किट विथ इट, बाय द वे इतना तो मेरे आई क्यूब का भी नहीं आया था, एक स्क्रू ड्राइवर आया था. यू गेट अ सर्विस मैनुअल और बाइक मैनुअल और स्कूटर मैनुअल जो कि पूरा पढ़ना है. एक चार्जर दिया है. डिक्की कैपेसिटी इसकी काफ़ी कम है इफ़ यू लुक एट मैनी अदर स्कूटर्स, बट मोस्ट ओवरऑल इस प्राइस रेंज में डिक्की स्पेस यही था ऑलमोस्ट सभी स्कूटर्स में. सो सिंस वी गॉट इट एट अ वेरी गुड प्राइस आई फाइनली वेंट फॉर दिस. एक आगे की भी स्पेस दिया है यहाँ पर. सो मिरर्स लग रहे हैं अभी. बाकी व्हाट इज़ द मोटर कैपेसिटी एक्सेट्रा ये सब मैं आपको घर पे जाके बताता हूँ. आई विल टेल यू वंस आई रीच होम. इट हैज़ गॉट द बेसिक नो ट्यूबलेस टायर्स एंड ऑल, वो सब है. साइड स्टैंड, मेन स्टैंड, क्रैश गार्ड्स इसको आते ही नहीं है तो वो कस्टम करना पड़ेगा. पीछे फुटरेस्ट नहीं आता है, वो भी कस्टम करना पड़ेगा. फाइनल बेसिक इन्फो मिल रहा है स्कूटर का एंड देन वी आर रेडी टू ड्राइव. एंड बाय द वे वी हैव कम ऑन आवर आईक्यूब टू गेट दिस. Elder sister gets a younger sibling. So Prem is all ready to go. He rode the test ride also bhi liya usne and he found everything all right. Hum bhi nikalte hain. Let's raaste mein kuch maine shots liye to theek hai. Otherwise let's meet at home. Here's the showroom, AIM Auto. इनका नंबर एंड लोकेशन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब पक्का छोड़ दूंगा. चला थैंक यू. There were only two color options in this. One is a matte black and this is the matte red. Is it close to, I would say, faded red or something? It's not so bright. But black भी stock में थी नहीं इधर. एंड एनी वेज इसका कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं है तो वी कैन चेंज द कलर टू एनी थिंग एनी टाइम वी वॉन्ट. सो वी माइट एज वेल रैप इट इन टू सम अदर कलर दैट माई सन लाइक्स. हेलमेट ब्लू है तो मे बी विल गेट द बाइक रैप्ड इन ब्लू.
बाकी आई लव द टेल लैम्प्स, दे आर LED, हेड लैम्प इज LED, इंडिकेटर्स रेयर वंस एटलीस्ट आर हैलोजन, फ्रंट भी हैलोजन ही है शायद, दो मिरर्स आए, पीछे फुटरेस्ट नहीं है इसको, मेन स्टैंड साइड स्टैंड है, पीछे का हगर भी काफ़ी छोटा है, उसको बड़ा करना पड़ेगा बिकॉज अदरवाइज वो पूरा मिट्टी बैटरी के अंदर जाने वाला है, 100% जाने वाला है, दैट आई सॉ बिफोर ओनली। सामने आपको ब्रिज दिख ही रहा है बड़ा, लेट्स सी इफ द स्कूटर आराम से चढ़ जाती है कि नहीं। देयर इज माई सन, थर्टी की मेरी स्पीड है। अरे भगा रे आराम से जा रही है, ये भी 26 दिखा रही है, वो भी 27 दिखा रही है, 27 28। लेफ्ट गोइंग इजी, आराम से। सो गाइस, कल हम गाड़ी घर लेके आए, स्कूटर घर लेके आए, एवरीथिंग वेंट वेल। फॉर अ क्विक कंपेरिजन, इट इज़ नॉट, द सस्पेंशन इज़ नॉट एज सॉफ्ट एज आवर IQube एंड ऑल, फ्लोर बोर्ड काफ़ी हाई है, एंड ब्रेक्स आर ऑल राइट फॉर द स्पीड, डिक्की स्पेस कम है जो मैंने बताया, फ्लोर बोर्ड एरिया वैसे ज़्यादा है बट स्लिम है स्लाइट, यहाँ पे एक आपको फ्रंट पे डिक्की मिल जाती है तो ये एक आपको एडवांटेज मिल जाता है। सिक्योरिटी बाइक में, स्कूटर में कुछ भी नहीं है, देर इज़ नो अलार्म सिस्टम, दो नो रिमोट सिस्टम, नथिंग, इवन दी स्टार्ट ऑल्सो, यू नो IQube में आपको ये प्रेस करके स्टार्ट करना पड़ता, तब जाके गाड़ी स्टार्ट होती है, तब जाके आप आगे जा सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपने चाबी ऑन की, आपने एक्सीलेटर दे दिया, गाड़ी सीधा आगे। तो इफ़ यू हैव स्मॉल चिल्ड्रन इन द हाउस, बी केयरफुल विद दिस, क्योंकि ये अभी डायरेक्ट ऑन हो चुकी है, इसमें और ऑन कुछ नहीं करना है, स्ट्रेट अवे गाड़ी आगे चली जाएगी। सो देर इज़ नो नो साइड स्टैंड वार्निंग वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, साइड स्टैंड नीचे होगा तो भी गाड़ी आगे जाएगी, मेन स्टैंड नीचे होगा तो भी गाड़ी आगे जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्रूज़ कंट्रोल है जो हमने कल आते समय देखा, इधर दिख रहा था सब कुछ, बट इन सब चीज़ों पे मैं डिटेल में कुछ और स्कूटर यूज़ करने के बाद उसका फीडबैक दूंगा। अभी हमने यूज़ कितना कर लिया है, टोटल 41 किलोमीटर चल चुकी है, 10 किलोमीटर्स पे हमने डिलीवरी ली थी तो 31 किलोमीटर्स चल चुके हैं, 31 में अभी भी बैटरी फुल बता रहा है। उन्होंने क्लेम किया है कि इसका रेंज 85 किलोमीटर्स है, 3 से 4 घंटे चार्ज होने लगेगा, रिमूवेबल बैटरी है, घर पे लेके जाके चार्ज कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, ये एक फास्ट चार्जिंग पोर्ट है जो कि अभी नहीं चल रहा है, इसका कनेक्शन मैंने देखा पीछे, कनेक्शन किया हुआ नहीं है, फ्यूचर में जब इनके पॉइंट्स आ जाएंगे तब यहाँ से फास्ट कनेक्शन दे देंगे वो। बाकी इसके लिए एक्सेसरीज कुछ मिलते नहीं है, ऐसे शोरूम ने बताया, वो बाद में चेक करूँगा मैं, कहीं और जाके मुझे मिलते हैं क्या। क्रैश गार्ड तो पक्का लगेगा, फुटरेस्ट पीछे नहीं है वो भी कुछ लगेगा हमको, आई मीन पीछे वाला कोई बैठ रहा है तो उसके लिए लगेगा। बाकी सीट थोड़ी सी छोटी है, माई सन ऑलमोस्ट सिट स्टिल हियर बिकॉज उसका लेंथ, मेरा बेटा काफ़ी लंबा है तो पीछे काफ़ी कम जगह मिलती है, बट सीट कम्फर्ट वाइज इट इज़ रियली रियली वेरी सॉफ्ट, सिंस सस्पेंशन इज़ हार्ड शायद उसके लिए सीट इतना सॉफ्ट दिया है, तो यू नो कॉम्पनसेट एंड आपको राइड कम्फर्ट अच्छा मिले इसके लिए। ओवरऑल फिट एंड फिनिश इज़ रियली नाइस, कहीं पर कुछ ऐसे कुछ यू नो अधूरा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, एवरी वेयर इट इज़ रियली नाइस फिट एंड फिनिश, कोई पैनल जैसे बज के नहीं आ रहे बाहर, कोई बज नहीं रहा पैनल्स, कोई गैप एक्स्ट्रा है कम है ऐसा कुछ नहीं है, यू नो पेंट क्वालिटी इज़ ऑल्सो रियली नाइस, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब दे हैव ट्राइड टू मेक इट डिसेंट एट दैट प्राइस। बाकी आपके कुछ और क्वेश्चन रहेंगे तो मुझे पूछ लेना वीडियो के कमेंट्स में, इसके स्पेसिफिकेशन के लिए मैं लिंक छोड़ दूंगा, एंड प्लस इस पर और काम जैसे जैसे होगा, एक्सेसरीज बिठाया या सर्विस किया, कुछ इश्यूज़ आए, कुछ सॉल्यूशंस हुआ, बाकी कुछ और फीचर्स मुझे अगर एक्सप्लेन करने हैं तो मैं और वीडियोस इसके डालते जाऊंगा, रेगुलर नहीं रहेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा बिकॉज मैं रेगुलर आजकल कर नहीं पा रहा हूँ, कमिट कर देता हूँ बट होता नहीं है। बट एनीवेज आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो, एंड अगर नए हो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन अ न्यू वीडियो वेरी सून, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
love.